बाकले की सब्जी और चावल बनाने के लिए, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा और देखिए आप कैसे बनाते हैं पहले और क्या क्या डालते हैं पहले। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक लाइक आप लोग करना भूलिएगा मत बिल्कुल। बगल में लाल घंटी है, इसमें इसको कस के दबाइए जाके सबसे पहले रेसिपी आप लोग को हमारा मिले। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या की किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। बगल में लाल घंटी उसको जरूर दबाएं जाके सबसे पहले रेसिपी आप लोग को हमारा मिले। तो बगलिया में लाल घंटी आप लोग दबाना भूल जाते हैं वीडियो देखते देखते, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए, पहले घंटी को दबा लीजिए। चलिए हम एक नई रेसिपी लेकर आप लोग को बीच में आए हैं, बोकली के सब्जी। जैसे देखते हैं कि एक बोकली होता है, एक बकला होता है। ये बाकला देखिए यहाँ पर ले लिया हमने, तो गाँव में बाकला बोला जाता है, आप लोग के यहाँ कहाँ बोला जाता है इसको बताइएगा कमेंट से। तो देखिए इसको हम ले लिया है, यहाँ पे एक केजी हमने लिया है। इसमें से जो देख रहे हैं आप लोग को चटाई पर हम इसको पलटी कर लेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चटाई पलटी करने के बाद से इसमें जो देख रहे हैं नरम नरम गोफियाँ हैं, इस तरह से हम तोड़ लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या के लिए आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ पे दो प्याज काटे हैं, एक टमाटर है, लहसुन है, धनिया पत्ती। अब इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे सरसों है, यहाँ पे देख रहे हैं कि लहसुन है। तो लहसुन और सरसों ले लिया है, तो इसमें हम डालेंगे जीरा को, जीरा को डाल लेंगे। इसका हम अच्छे से एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे, मसाला पीसकर एक साइड में रख रहे हैं। इसको देख रहे हैं कि जो इसमें नरम है उसी को हम इसको तोड़ लेंगे। तो नरम वाला देख रहे हैं यहाँ पर हमने इस तरह से तोड़ ले रहे हैं। तो नरम बिल्कुल तोड़ना है, ज्यादा हम इसमें मोटा जो है वो नहीं तोड़ेंगे हम। ये देख रहे हैं मोटा जो है, तो इसको आप क्या करिए, आप डालना चाहते तो इसका छिलके उतार कर इस तरह से डाल सकते हैं। सब लोग खाते हैं इसको, खेत में होता है ज्यादा करके, फलाहार माना जाता है हम लोग का, जैसे मूंगफली माना जाता है तो उसी तरह भी फलाहार है। इसकी सब लोग घुघरी बनाते हैं, कोई कुछ बनाता है तो खाते हैं सब लोग इसका बना के। तो इसको जैसे रहता है कि इसका दाल भी मिलता है, बेसन भी मार्केट में मिलता है इसका। तो गाँव पे हम लोग को होता है तो इसका दाल दरके रख जाता है बेसन बनाने के लिए। तो हमारे घर का है जैसे देख रहे हैं आप लोग बोकला। कितने लोग इसको सोचते हैं बोकली है, पहले जो बोकली नहीं देखे नहीं रहते हैं तो ये बाकला है। पहले बोकली हरा हरा होता है गोभी जैसे, कि लाल मिर्चा भी हमने यहाँ पे 3-4 पीस ले लिए हैं इसमें। तो सारे को इसी तरह तोड़ ले रहे हैं, उसके बाद बनाते हैं। इसके पौधा जो जैसे देखते हैं केवाच होता है, केवाच के पौधे जैसे इसका पौधा छड़े रहता है पूरा, और उसी तरह केवाच के जैसे फरता भी है। तो आप लोग को हम एक अगली वीडियो में दिखाए थे खेत में जाकर, तो उसमें जाकर आप लोग हमारे वीडियो में देख सकते हैं इसका पौधा, जिसको देखना होगा। जैसे केवाच फटता है उसी तरह ये भी झुप्पा जैसे फटता है पूरा गुच्छा टाइप में, नीचे से लेके पूरा ऊपर तक उसी तरह फटता है। तो आप लोग हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसी तरह देखिए इसमें जैसे धागे टाइप में निकलता है, तो इस तरह देखिए इस तरह से निकाल रहे हैं इसको, छिलके उतार कर इसका, तो धागे टाइप में देख रहे हैं निकल रहा है। चलिए पूरे इसी तरह छिलकर फिर आप लोग से हम मिलते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने छिलके उतार के रख लिए हैं, जो इसमें ज़्यादा टाइट था पहले तो उसका देख रहे हैं कि इस तरह से हमने दाने निकाल लिए हैं। तो सभी को नहीं बनाएंगे हम, इतना बचा ले रहे हैं इसमें। इसको जैसे देख रहे हैं नवरात्र आ रहा है, तो इसको सुखवा कर हम रख देंगे, ये फरार बनाने में काम दे देता है। इसको हटा ले रहे हैं अब यहाँ से, हम जला ले रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आलू को छोटे छोटे साइज में काट लेंगे पहले। आलू जैसे काटना चाहते हैं उस तरह से आप काट सकते हैं, आप इसको लंबे साइज में भी काट सकते हैं। तो कच्चे मसाले जैसे देखते हैं नुकसान भी नहीं करता है, सेहत के लिए अच्छा रहता है, तो कच्चे मसाला सब्जी खाना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने काट ले रहे हैं सारे आलू को। हो चुका है, इसमें हम डालेंगे सरसों के तेल। कच्चे मसाले की सब्जी जब भी बनाना चाहिए तो सरसों के तेल में बनाना चाहिए। अब इसको हम धो ले रहे हैं, इसको दो पानी अच्छे से धोएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि पानी गंदा कितना निकल रहा है, तो दो पानी अच्छे से इसको हम धो ले रहे हैं। इसमें हम बाकला को डाल के ऊपर भी एक तरफ हम चावल बनाएंगे। आप लोग को वीडियो में दिखाने के लिए बना रहे हैं यहाँ पर,
क्योंकि दाल चावल भुजिया हमारा बन चुका है। थोड़ी सी चावल बनाकर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर डालेंगे हम पानी। सब्जी के साथ में हम चावल भी बना रहे हैं यहाँ पर, तो चावल को हम डाल रहे हैं। अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद से गैस को बंद करेंगे। भुना गया है तो इसको हल्के से ज्यादा नहीं भुनना, इसको चिमट टाइप में हो जाता है। अब इसी में आलू डालकर भुनेंगे। सब्जी भुना गया है, इसे निकाल रहे हैं। तेल डालेंगे। देख रहे हैं कि पचफोरन के हमने मेहस को तड़का देंगे। पचफोरन डालने के बाद इसी में डालेंगे हींग को। हींग को डालने के बाद से तड़का हमारा चटक रहा है, इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज को। यही में थोड़ी सा लहसुन भी डाल दे रहे हैं। जैसे देख रहे हैं कि बगला की सब्जी खाने पे जैसे रहता है, हमारा चेहरा कोमल रहता है, मुलायम रहता है बिल्कुल। ऐसे खाने से हमारे जैसे देखते हैं कि बॉडी में जैसे रहता है, स्टूडेंट टाइम में रहता है, जैसे देखते हैं वो भी नहीं रहता है, इसे दोस्त बिल्कुल मुलायम रहता है। ऐसे बाल में जैसे रहता है, बाल हमारा झड़ता है जो है बगला खाने पे रहता है कि बाल की हमारी मजबूती बनाता है। बगला को खाना चाहिए सब्जी, जैसे देखते हैं हमेशा नहीं मिलता है। एक गर्मी के मौसम में मिलता है मार्च से लेकर अप्रैल तक। यहाँ देखिए इसको हम डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच गरम मसाला, आधे चम्मच कैसमरी पाउडर। अब इन सभी को डालकर हम अच्छे से पकाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मसाला जो कटोरे में लगा हमारे, तो इसको हम धो ले रहे हैं। इसको डालकर अच्छे से मसालों को पहले पकाएंगे। तो चावल हमारा जैसे देख रहे हैं सीटी नहीं दे रहा है, गैस निकल रहा है इसमें से। और डाल के हम पकाएंगे, नहीं तो मसाला जलने लगेगा नीचे से हमारा। तो स्वाद के अनुसार से जब भी नमक डालना है तो स्वाद के अनुसार से नमक डालिए। अब इसमें हम सब्जी को डाल देंगे। सब्जी को डालकर अच्छे से मिलाएंगे। अब मीडियम आंच पे इसको 2 मिनट और भुनेंगे हम। आप लोग को थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबा पड़ता होगा, आप लोग सोचते होंगे कि क्यों बस सब्जी चावल बनाती है तभी लंबा वीडियो 10 मिनट कर देती हैं। तो इसमें जैसे देखते हैं कि बताने में ज्यादा समय लगता है, हर चीज बारी बारी इसमें हम बताते हैं आप लोगों को कैसे बनाएंगे, टेस्टी होगा सब्जी। अब इसको देखिए ढककर हम इसी तरह पकाएंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं कि सब्जियों से हमारे मसाले में से तेल छोड़ने लगा है। मसाला काफी अच्छा से भुना गया है, इसमें हम डालेंगे पानी को। तो पानी आप कम बेसी करके डाल सकते हैं इसमें। अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में से, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर इस सब्जी का कलर भी आ गया है। अब सब्जी को इसी तरह हम पकाएंगे पहले 2 मिनट। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि हमारी सब्जी बनकर बहुत काफी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती और टमाटर। तो आज का वीडियो हमारा आप लोग को कैसा लगा है, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को। चलिए फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।